भिवाड़ी में 27 मई को हुए वार्ड पार्षद नंद किशोर पर जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया। वहीं जांच अधिकारी एसआई रमाकांत ने बताया कि भाजपा के वार्ड नंबर 26 के पार्षद नंद किशोर हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस घटना में पार्षद का एक हाथ और साथ ही एक पैर फ्रैक्चर हो गया। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अब कोर्ट में पेश किया। इस मामले में कुछ और भी आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। ये नंगलिया में 27 तारीख को शाम को दोपहर में नंदू पार्षद पर जानलेवा हमला हुआ था। उसी सिलसिले में हम लोग काफ़ी श्रीमान एडिशनल एसपी साहब के आदेश से हम पूरी तत्परता से लगे थे इसमें, और इससे हमें कल सफलता मिली। हम मुखबिर की सूचना पर कल हमने दो व्यक्तियों को जो मुख्य इसमें घटना को कारित करने वाले थे, जिन्होंने घटना को इल्जाम दिया था, उनकी हमने कल। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।